एक बच्चे को अपने घर से भेज, मेरे भी छह बेटे है जी ऐसी कंप्लेन बताओ मेरे, होता है झगड़ा उनका हुआ हुआ कभी बाई चांस कोई ना कोई वजह। लेकिन अब क्या हुआ, कुसुम्बर और क्वालिटी का नहीं बन रहा, ये क्वालिटी टेलर का बेटा है वो बोलता है कि क्वालिटी का नहीं बन रहा है कुसुम्बर और आगर और बोले क्वालिटी नहीं है उसमें, समझे। अब बन रहा तो क्वालिटी नहीं है, अब इन्होंने तो कभी इनके बात के अंदर जमीन पर काम ही नहीं करे। अरे मैं तो ये बोलता भैया काम की बुनियाद तो बात नहीं है, ये जैसा हमारे टाइम थे काम, आज उसकी तुलना राज के काम से करो, बोलना चाहिए नहीं मत से, क्योंकि इन्होंने छह साल के अंदर कभी कुछ करा नहीं, दो टाइम के अंदर कुछ नहीं कर रहे, इनके चट्टू बट्टू कुछ नहीं कर रहे, हरी विरोध करते, सबको सब आता, लेकिन मैं जिम्मेदार आदमी इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन हम जो है भैया विकास करने वाले मेहनत करने वाले लोग और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। अब बताओ कल 30 महीने पूरे हो गए कि नहीं आमदार साहब को, कितने मेरे भैया जीरा कि मैं 60 महीने में 60 काम करूंगा, बताओ भैया मेरे को 6 काम दिखा, सर्कल अभी तक बना नहीं, उद्घाटन कर नहीं कहां से धरेगा है ना, एक करोड़ आमदर बढ़ता 1,92,00,000 वापिस हो गई। मैंने सवाल करा पिछली पत्रकार परिषद में तो बोले आप कारपोरेशन का हिसाब दो, अबे हम तो जमीनों पे हिसाब दे रहे काम का, आगरा रोड बना रहे, शहीद अब्दुल हमीद रोड बना रहे, शहर के हर इलाके में रोड बना रहे, और ये कारपोरेशन के निधि से है, कारपोरेशन के फंड से है। आज जाकर के जो दादा भूसा है हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहब ने जो 10 करोड़ रुपया रिलीज किया था उसके काम की शुरुआत हुई, जो पायलट मंत्री डीपीटी से 5.5 करोड़ रुपया दिया था उसके काम के आशय नगर के मेन रोड की सीमेंट रोड के काम की शुरुआत हुई कल से दादा है ना, और 1.5 करोड़ और लगा। ये तो देखो गवर्नमेंट में आसिफ भाई आमदार है, ये यहाँ के एमएलए आमदार है ना, हम तो कारपोरेशन के हिसाब दे रहे जमीन पे, तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं, हम तो काम के नाम पे हिसाब दे रहे जमीन पे दे रहे, और ये अपना काम को बचाते हैं, काम इनको आते ही काम करना क्या करें है? पैसा वापिस जाता। अरे मैं बोलता 3 करोड़ से 2 ही करोड़ बच्चे थे, अगर तो कुछ खर्चा कटा रहे थे, 1 करोड़ बनाए थे तो मानता नहीं, यूने भी मार्केट से लेके कोरोना अबुल कलाम आजाद रोड तक बन जाता, सिविल रोड बन जाता ना, लोग धुआं देते हैं क्योंकि नहीं नहीं आए अंदर एक तो काम करे, ऐसा होता है क्या? तो हमारे काम तो सब जमीन पे है, और अभी भी 50 करोड़ रुपया अलग हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के लिए अलग, बाकी इलाकों का जहाँ मेन रास्ते जहाँ ज्यादा होगी उसको मैं तो दिखा देता, और उसके ऊपर अगर शहर का वातावरण खराब होगा लैंड खराब होगा उसके जवाबदार आयुक्त तो महोदय कारपोरेशन के वो महकमे के अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट रहे। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है, हमारा पता याद रखे मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।